दोस्तों, पित्त नली में रुकावट, दस्त, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर से पीड़ित लोगों के लिए, साथ ही गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिंगपर्णी लेने की सलाह नहीं दी जाती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों में सिंगपर्णी का फूल गंभीर एलर्जी का कारण बन सकता है, इसलिए यदि आपको इससे एलर्जी की समस्या है तो सिंगपर्णी की जड़ लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। ज्यादा लंबे समय तक सिंगपर्णी का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंगपर्णी लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें, विशेष रूप से जब आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, क्योंकि यह दवाई के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए दी जाने वाली लिथियम नामक दवा के साइड इफेक्ट को यह और भी खराब कर सकता है।